हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो यहाँ पर हम अपना 2015 का लेक्चर का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो सॉल्व कर रहे हैं। हमने पंजाबी का पेपर सॉल्व कर लिया है और हमने पैडागोजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा पैडागोजी के अंदर। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या रहेगा। द प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय, सो द प्रोसेस है इमेजिनेशन का, उसको बेस्ट आप किससे सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो इमेजिनेशन का प्रोसेस रहता है उसको आप बेस्ट कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो इमेजिनेशन का प्रोसेस है उसको बेस्ट सपोर्ट करने के लिए शेयरिंग स्टोरीज, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शंस, ओपनिंग एक्सेस टू डिस्टेंस प्रैक्टिसेस थ्रू एक्सकर्शन, विजिटिंग, टॉकिंग एंड ऑब्जर्विंग, एम्पथाइजिंग, डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कल्पना दी प्रक्रिया दा किस द्वारा समर्थन किया जाता है। अगर आपने इमेजिनेशन करनी है, आपने कुछ कल्पना करनी है, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड इनमें से आपको क्या लगता है? आप उनको दस्तावेजी रूप देंगे तो उनको कुछ समझ आएगा क्या? उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे सो ये तो इतना नहीं है। आप उनको ताकीद करेंगे, एम्पथाइज करेंगे तो ये भी इतना नहीं है। आप उसको सिर्फ एम्पथाइज करवा रहे हैं। और कहानियाँ साझा करना, व्याख्या करनी और वृतांत सुनाना, ये भी इतना इमेजिनेटिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को जाते हैं, वहाँ पे सैर सपाटा करते हैं, उसका मुआयना करते हैं, बात करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, डिस्टेंस प्रैक्टिस थ्रू एक्सकर्शन, विजिटिंग, टॉकिंग एंड ऑब्जर्विंग। सो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर जो रहेगा आपका, ये करेक्ट रहेगा। क्यों? आप अगर कहीं पर आप जैसे कि आपको टीचर मान लीजिए किसी ऐसी फील्ड पे ले जाता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप मोमबत्तियों आपने बनानी सीखनी है, तो इससे बेटर कि वो आपको बताएगा और आपसे आप उसको समझेंगे, सिर्फ थ्योरीज पढ़ेंगे, उससे बेटर आप अगर आपको उस फैक्ट्री में ले जाया जाए और वहाँ जाके आपसे समझाए, आपको दिखाया जाए पूरा प्रोसेस, तो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी इमेजिनेटिव पावर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अभी आपको हमने बताया था कि जहाँ पर साइंटिफिक बच्चा सोचने लग जाता है, बच्चों को चीज़ों की समझ, बच्चा उस चीज़ की सिर्फ जो ठोस अवस्था है, जो कॉन्क्रीट अवस्था है, उससे परे जाकर भी अगर वो सोच पाता है तो वो उसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग रहेगी। ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। नॉट आ गया ना, तो नॉट पे फोकस करना। इट इनकरेज स्टूडेंट टू इंटीग्रेट स्कूल नॉलेज एंड नॉलेज दे एक्वायर आउटसाइड स्कूल। इट एम्पावर्स द स्टूडेंट विद स्किल्स दैट हेल्प देम टू इवैल्यूएट एंड नेगोशिएट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हेल्प द स्टूडेंट इन रोल प्लेइंग। डेवलप स्टूडेंट क्रिएटिविटी टू टेक होल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द इंक्रीजिंगली वेरिड लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर क्या है कि उच्च क्रम सोच निपुणवान विशेषता निपुण वामा दी विशेषता नहीं है। सो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर बच्चे की हाई ऑर्डर थिंकिंग हो रही है, उसमें बच्चे का विकास कैसे हो रहा है कि वो सब तरह से सोच पा रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, नहीं चीज़ दिख रही हैं, चीज़ें हैं नहीं हैं, तो उसको वो सब तरह से सोच पा रहा है। सो इसमें स्कूली ज्ञान भी रहेगा, स्कूल तो बाहर हो जो भी सीखता है वो भी रहेगा। ठीक है, और बच्चा जो निपुणतावा वो विद्यार्थियों उन्हें निपुणता समर्थ करती है जो उन्हें भी जटिल स्थिति का मूल्यांकन कर, हाँ वो जो जटिल स्थिति का भी मूल्यांकन कर पाएगा। और विद्यार्थियों की भूमिका ये विद्यार्थियों को भूमिका निभाने में मदद करती है। ये विभिन्न स्थानक विषय व्यापारिक पेश करती है, रचनात्मकता का विकास करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, नो डाउट, यहाँ पे आप पॉजिटिव वर्ड्स पकड़िए। आप देखिए, इनकरेज करेगा इंटीग्रेट स्कूल नॉलेज विद आउटसाइड, ये भी है कि अगर वो अपनी स्कूल की नॉलेज और बाहर की नॉलेज दोनों को ही अक्वायर कर रहा है और उससे सीख पा रहा है, ठीक है, तो ये भी रहेगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं आएगा, ये भी रिलेट कर पा रहा है चीज़ों को। बच्चा इवेल्युएट करेगा और नेगोशिएट करेगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, तो ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है, और बच्चा क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटीज़ को होल्ड करेगा और लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में सोचेगा, तो ये सब जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग। बट स्टूडेंट रोट प्लेइंग सिर्फ एक चीज़ तक सीमित नहीं रहता बच्चा वहाँ पर, तो ये इसने सीमित कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन को। ठीक है, या तो भूमिका निभाने विच मदद करेगा, सिर्फ ये आंसर नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉन्टेक्स्टुलाइजेशन मीन्स, प्रसंगीकरण का की अर्थ है, टू मेक एजुकेशन रेलिवेंट टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, फोकस ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मीन्स होता है कि एजुकेशन को हमने जहाँ पे हम हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना, किसी के कॉन्टेक्स्ट में समझना कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो उसका
इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, हम चीज़ों को उस चीज़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोरोना है, तो कोरोना का प्रभाव तो पूरे वर्ल्ड पे है, बट हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि उसका इंडिया पे और उससे भी पहले हम जिस एरिए में रहते हैं वहाँ पे क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली पे उसका क्या इम्पैक्ट है, हम इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, टू हेल्प द स्टूडेंट टू डील विद कम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी ऑफ द कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज टीचर शुड। अगर बच्चों को आपने हेल्प करनी है कि वो कॉम्प्लेक्स और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती, कंटेंट और कंटेक्स्ट ऑफ द नॉलेज, तो बच्चों को ज्ञान की विषय सामग्री के प्रसंग की जटिलता अस्पताल निपटन लिए विद्यार्थियों को सहायता करने अध्यापक ने। अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ से वो निपट नहीं पा रहा किसी प्रॉब्लम से, तो उसको क्या करना टीचर सिखाएगा। सो टीचर को उसको मैनेज द क्लासरूम प्रॉपरली। तो आपको लगता है कि अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आता तो उसको क्लासरूम प्रॉपर करना सिखाएगा? नो। तो ये तो जमात नू ठीक ढंग का प्रबंध करना ये तो नहीं सिखाएगा। नेक्स्ट, आप देख लीजिए कि प्रोवाइड नोट्स टू ईच टॉपिक इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो नोट्स देना कोई हल नहीं है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में। इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन इन द क्लासरूम। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम सेकेंड भी पढ़ लेते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू डिसअग्री विद ईच अदर। Allow student to disagree with each other while facilitating reflection on why they disagree. So यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ग्रुप डिस्कशन करवाना है, बट हर चीज़ का ग्रुप डिस्कशन हल होगा उससे भी पहले आप अगर सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है कि दो बच्चों को ये कह रहा है कि अगर उन्होंने बात की तो वो दोनों अगर एक किसी पॉइंट पर डिसअग्री हैं तो वो टीचर बच्चों को रिफ्लेक्ट करना सिखाएगा, ये सिखाएगा कि क्यों वो दोनों से एक दूसरे से असहमत हैं उस टॉपिक पे, और कैसे दोनों के विचार, अगर वो बच्चे रिफ्लेक्ट करेंगे कि कैसे उन दोनों के विचार मैच नहीं कर रहे हैं और क्या रीज़न है और किसका सही है। सो इस तरह से बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेगा कि अगर किसी दो लोग हैं उनकी सोच मैच नहीं कर रही है तो किस तरह से हम सही चीज़ को फिर भी उसको सही चीज़ को हम मानेंगे और किस तरह से उसको अडॉप्ट करेंगे, ये इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड इसी के साथ हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट हम इंग्लिश पे बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।